अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज मेरा जो है ना व्लॉग बनाने का बड़ा ही मन कर रहा था सुबह सुबह, मैंने सोचा आप बना रही हूँ आलू के पराठे तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हुआ यूँ कि ये जो छाला है ना ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। बात ये है तो चलो कोई नहीं, फटाफट जो है रेसिपी स्टार्ट करते हैं फिर से एक सुबह की मॉर्निंग वाली एनर्जी के साथ, और बताना कैसी लगी आप लोगों को। वैसे सिंपल है, बच्चों को पसंद आता है तो मैंने सोचा बना ही रही हूँ, तो चलिए रेसिपी बना लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे आलू के पराठे की रेसिपी। तो जैसे कि यहाँ पर आटा मैंने पहले से गून के रखा हुआ था, तो वही आटा मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने आलू का मैशर जो है रेडी करके रखा हुआ है, और एक पहले में जो है मैं ऑयल निकाल रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पहले वीडियो बनाया तो जो आलू का मैशर है उसका वीडियो ही नहीं बन पाया, और मैंने बाद में देखा तो आई एम सो सॉरी। तो मैं बताती हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। थोड़ा सा काला नमक और नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा अदरक खींच के डाला है मैंने, और बाकी नमक डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं मैंने, हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, खाना निकाल के फेंक देते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं आटे की एक गोली ले रही हूँ, एक पेड़ा मतलब ले रही हूँ छोटा सा। इसको सबसे पहले हम बेल लेंगे मतलब। तो यहाँ पर सूखा आटा मैं निकालने लगी थी डब्बे में से, आटा भी वैसे ख़त्म हो गया है तो आटा पिसाना है मुझे, तो यहाँ पर सूखा आटा मैंने ले लिया है। अब इसमें इसको डिप करके इसको क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और बेलने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के ये देख सकते हैं आप लोग, और ये जो मैशर हमने तैयार किया है आलू का ये इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची भी इसमें डाली है, सॉरी मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना। और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया मैंने, क्योंकि बच्चे जो है हर चीज़ निकाल के फेंक देते हैं, हरा धनिया वगैरह हरी मिर्ची वगैरह, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया कांदा। अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें कांदा हरा धनिया और मिर्ची थोड़ी सी एक दो ऐड कर सकते हैं, तो और भी अच्छा इसमें स्वाद आता है। तो ये देखिए फटाफट मैंने बेल लिया। आप दो दो रोटी बेल कर भी इस तरह का मतलब बना सकते हैं पराठा, लेकिन अभी बच्चे लोग को भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने इस तरह से बना दिया जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से। और अगर आप चाहें तो पहले एक रोटी बनाकर रख ले छोटी सी, फिर दूसरी रोटी बनाकर, फिर उसके अंदर एक रोटी के अंदर जो मैशर है वो पूरा भर के फिर थोड़ा सा बेल के बनाओगे ना तो अच्छी तरह से फूलेंगी। ये वाला जो है इतना फूलता नहीं है, और आज तो मुझे ज़्यादा फूलने की पड़ी नहीं थी क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे लोग को भूख भी लग रही थी, तो मैंने फटाफट आलू को बॉईल किया। और जो पहले स्टार्टिंग में जो मैशर जो मैंने मिक्स किया है ना उसका ब्लॉग कैमरा चालू ही नहीं हुआ, मुझे लगा कैमरा चालू है बट कैमरा चालू नहीं हुआ, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करी हूँ। तो यहाँ पर जो है दूसरा पराठा भी मैं बेल रही हूँ, यहाँ पर जो तवे पर जो पराठा है वो सीक रहा है। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे नीचे साइड से, उसके बाद ऊपर साइड से भी लगा के इसको पलट देंगे, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से उल्थाने की हेल्प से इसको दबा लेंगे हर तरफ से, ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से सीख जाए। और जहाँ से जो होता है ना फूट जाता है आलू की वजह से, जो आलू मोटे होते हैं बेलने की वजह से जो फूट जाता है, तो वो वहाँ पर से क्या होता है हवा निकल जाती है रोटी में से, तो वो फूलने नहीं लगती है। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा दबा लेना है वहाँ पर उस जगह पर, तो फिर ये क्या होता है साइड से फूलने लग जाती है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं फूली है पराठा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। अब थोड़ा सा मस्का जो है अमूल मस्का बटर ये हम इस पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बढ़िया पराठा हमारा रेडी हो गया है। और सना जो है मस्का नहीं खाती है, उसको पसंद नहीं है, तो आलिया और अलीना के लिए ही मस्का लगाऊंगी। तीनों के लिए सिर्फ तीन पराठे बना रही हूँ। मैं जो है रोटी सब्जी खा लूँगी, जो दूसरी सब्जी और रोटी है वो मैं खा लूँगी आलू की सब्जी और रोटी, बाकी ये लोग के लिए तीन पराठे बना रही हूँ। वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। तो मुझसे ना बात करने नहीं हो रहा है आज सुबह से, इसलिए व्लॉग नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं छाला आ गया, और जब भी मैं बात कर रही हूँ ना तब वो मेरे मतलब दांत में लग रहा है, और दांत में लगने की वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, कल आते आते वो भी भूल गई मैं लाना छाले की ट्यूब मेडिकल से, कल दो बार नीचे गई लेकिन भूल गई लाना। तो क्या होता है मालूम है क्या, ये देखो बच्चे लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या
ऐसे सलाम करते और सना को देखो, सना अभी जस्ट जी माने जीनियस बन के खा के बैठी है पार्ले जी बिस्किट। अभी जस्ट पार्ले जी बिस्किट खाया ये लोग, मेरे को भी बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग बताना मुझे ना, पानी में डुबा के बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे हम लोग पहले बचपन में खाते थे ना हम लोग पहले। मुझे पिक्का वेफर चाहिए। पिक्का वेफर? हाँ। कितना खाएंगे वेफर? पिक्का वेफर? हाँ। तो ठीक हो जाएगा ना शायद, मैं तब सही से बात कर पाऊंगी। कैसा होता है मालूम, जब मेरे को मेरा मन जो है ना एकदम शांत होता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब टेंशन नहीं होता है कुछ दिमाग में। लगा ना, लगा ऐसे उठ रही है मोबाइल ऐसे, मतलब अभी गोद में बैठी है, मैं ऐसा पकड़ के ब्लॉग बना रही हूँ और ऐसा उठ के लगेगा ना मोबाइल, लगेगा नहीं मोबाइल? सीधा बैठने का ना, ये ना एक जगह ना टिकती नहीं इसकी इसकी ना एक जगह टिकती नहीं। तो मैं क्या बोल रही थी, जब मुझे अच्छा लगता है और मेरा माइंड फ्रेश होता है, जब दिमाग में कुछ टेंशन नहीं होता ना, तब मुझे व्लॉग बनाने में ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आती है मुझे व्लॉग बनाने में। खुशी खुशी मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरे चेहरे पे एकदम स्माइल होती है। और जब मन नहीं होता है मेरा तो दो दो तीन तीन दिन ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, फिर मैं मेरा मन ही नहीं होता है बनाने का, ऐसा होता है। या फिर ऐसा सोच लेती हूँ, ठान लेती हूँ कि नहीं मुझे बनाने का ही नहीं है, अब बनाना ही नहीं मुझे, ऐसा होता है। और जब फिर अच्छा लगता है ना, तब फिर मन करता है एक ही दिन में तीन चार दिन के ब्लॉग बना दूँ ऐसा होता है। तो बताओ, अनोखा इंसान हूँ मैं, अनोखा प्राणी हूँ मैं है कि नहीं अलीना? हाँ बोले तू, मैं प्राणी हूँ ना। फिर कैसा बोली तूने? हाँ कैसा बोली, कैसा बोली, कैसा बोली, कैसा बोली? आज मैं देख रही थी मेरे गांव के ब्लॉग्स, अच्छा लग रहा था, गांव के ब्लॉग देख रही थी। अभी देखो रिजल्ट बोले सर ने 20 तारीख तक रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद देखते हैं, डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं, आगे जो है पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, या फिर कहाँ से करनी है, गाँव से करनी है, यहाँ यहाँ मुंबई से करनी है, वो देखेंगे। अलीना मेरे बाल मत तोड़, टूट रहे ना अलीना बाल, ऐसे क्यों कर रही तू? दूंगी एक चमाट रख के, अभी दांत देखो कैसे खराब हो गए, दांत देखो कैसे खराब है, दांत देखो उसके, दांत देखो मेरे दांत देखो। किसके दांत अच्छे हैं? क्यों मेरे दांत क्यों अच्छे? मेरे और तुम्हारे? तेरे दांत अच्छे नहीं, तूने चॉकलेट खा खा के दांत खराब कर दिए। नहीं भागो, मेरे दांत भी अच्छे हैं, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे अच्छे नहीं। भागो क्यों, कहाँ भागो? हाँ गाँव। गाँव? हाँ। सही में तुमको छोड़ के भागू? हाँ, चले जाओ। हाँ बोल रही। पक्का बोल रही कि हाँ जाओ? पक्का जाओ ना, जाओ ना। कितनी जल्दी बदल जाती है देखो लड़की। तो देखो अभी शाम को आले के पापा आएंगे शायद से, बोले तो है आऊंगा बोल के। मैं नहीं आऊंगा। मैं देखो अभी क्या करते क्या नहीं, इसको बहुत मस्ती सुस्ती व्लॉग बनाएंगे। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बहुत ज्यादा मस्ती सुस्ती है इसको व्लॉग बनाने के टाइम पे। तो अभी जा रही हूँ शाम की चाय बनाने, चाय पीऊंगी, उसके बाद थोड़ा देर में मिलती हूँ आप लोगों से। आज देखते हैं क्या रेसिपी बनाते हैं। क्या पीऊंगे? खाना खा के चाय पियो। हाँ तो सुबह चाय पी के खाना खाए थे ना, अब चाय पियेंगे फिर वापस खाना खाएंगे रात में। ये मेरी चुन्नी मुन्नी है ना, वो इमली बोलती ना, अन्नी बन्नी के तफन्नी। आप लोग देखते हो क्या, मेरी तो बहुत फेवरेट है वो, मेरी तो आलिया को बहुत हंसी आती है ना, आलिया है ना, आलिया कैसे बोलती है अन्नी बन्नी आलिया एक बार बोल के बताना, आलिया एक बार बोल के बताना, अन्नी बन्नी अन्नी बन्नी अन्नी बन्नी बोलती रहो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है वो, ऐसा बोलती ना बहुत हंसी आती है दाँत ऐसे लेके करके। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा देर में, बहुत पका लिया अभी आप लोगों को, मिलते हैं। अभी व्लॉग एंड नहीं हो रहा, चल हम लोग के हो गए सर की नमाज, और बच्चे लोग अभी जाएंगे ट्यूशन, हो गए लोग का ट्यूशन का टाइम 6 बज गए, अजान होते ही 15 से 20 मिनट रहते हैं बस ये लोग को ट्यूशन के लिए। सना तुम्हें सलाम नहीं करी ना व्लॉग में? सलाम अलैकुम। हाँ
अस्सलाम वालेकुम। तो अरे उतने सारे बुक क्यों लेके जा रही, उतनी पूरी बुक मत लेके जा, उसमें की दो दो बुक ले जाया करो, एक ही बुक ले जाया करो उसमें की रोज की एक, अभी पूरी बुक निकाल दे और एक बुक लेके जा, सिर्फ पूरी बुक मत लेके जा, बता मेरे को बता। वो सब बुक लेके जाती ना तो वजन हो जाता बैग, सब बुक नहीं ले जाने का बेटे, पूरी बुक नहीं ले जाने का बेटे। ड्राइंग बुक भी लेके जा रही थी, ये बुक है ना वो सब निकाल दे, और जो अभी स्कूल की ला बैग बता मुझे, पूरा बैग खाली कर भला, मैं तुम लोगों को देती निकाल के, बैग खाली कर। हाँ मम्मी मैं ना बैग खाली करके बाहर। तो ये लोग चले ट्यूशन, बाय बाय, आई लव यू। आज ट्यूशन में स्कार्फ पहन के जा रहे हैं, मैंने बोली स्कार्फ पहन के जाने, और ये मैडम को देखो, ये मोहतरमा को। चलो अल्लाह हाफिज बेटा, बाय। तो मैं आके खड़ी हूँ अपने बाहर, बच्चे लोग चले गए ट्यूशन तो यहीं से, तो अच्छा लगता है काफ़ी। हवा बहुत आ रही थी आज, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था। बट बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हूँ मैं, बहुत कम निकलती हूँ बाहर, क्योंकि घर में ही इतना सब काम रहता, बाहर निकलने का कुछ टाइम ही नहीं रहता, और थोड़ा बहुत अगर बैठ भी जाओ तो फिर अकेले बैठने में कंटाल भी बहुत आता, कोई साथ में रहे कंपनी देने को तो फ्रेंड वगैरह तो अच्छा भी लगता है। चलिए कुछ टाइम यहाँ पर मैं सुकून की हवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खड़े खड़े सोच रही हूँ कि यहीं पे व्लॉग को एंड कर दूँ, वैसे ऑटोमेटिकली सिरी चालू हो गया, बोलो मोबाइल का, ये सिरी भी ना कभी भी चालू, तो ये ऑटोमेटिकली कभी भी चालू हो जा रहा है, और मेरा जो व्लॉग है वो रुक जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर छोटा सा व्लॉग ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन का ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा लग रहा है, और सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।